नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ दिल्ली की सबसे पुरानी कोर्ट यानी कि 30,000 कोर्ट, और आज आपको उसका पूरा टूर दूंगा मैं, तो मेरे साथ बने रहें। दोस्तों, इस कोर्ट का इनॉग्रेशन जो किया था वो एन ए भंडारी जस्टिस साहब ने किया था 1958 में। दोस्तों, ये 30,000 जो है ये भारत की ओल्डेस्ट कोर्ट्स में से एक है। जो ये 30,000 है ये दिल्ली की सबसे पुरानी कोर्ट है। पहले सिर्फ यही एक कोर्ट हुआ करती थी, लेकिन अब टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन के हिसाब से अलग अलग कोर्ट्स कर दी गई हैं। दोस्तों, इस कोर्ट के अंदर आपको हर फैसिलिटीज़ मिलेगी। यहाँ आपको खाने पीने के लिए कैंटीन मिलेगी, यहाँ बार एसोसिएशन का ऑफिस है, यहाँ आपको और फैसिलिटीज़ भी मिल सकती हैं जैसे डिस्पेंसरी वगैरह। दोस्तों, इस कोर्ट के अंदर एक से बढ़कर एक दिग्गज एडवोकेट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ बहुत खूबसूरत चैम्बर्स भी बनाए हुए हैं एडवोकेट्स और क्लाइंट्स के बैठने के लिए, और सारी फैसिलिटीज़ इस 30,000 कोर्ट के बाहर में दिए हैं। ये जो आप मेरे लेफ्ट एंड राइट साइड में आप देख रहे हैं, ये है 30,000 कोर्ट्स के चैम्बर्स। आप देख सकते हैं यहाँ खूबसूरत चैम्बर्स बने हुए हैं। लोग यहाँ आकर अपनी प्रॉब्लम्स एडवोकेट्स को बताते हैं और एडवोकेट्स उसका सोल्यूशन करवाते हैं। तो ये एक बेहतरीन कोर्ट है, पूरी दिल्ली की सबसे बड़ी कोर्ट है ये। तो कभी मौका लगे तो यहाँ आइए और इसको एक्सप्लोर कीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पब्लिक के लिए पार्किंग की फैसिलिटीज़ भी है। इसके अलावा अगर आप इस 30,000 कोर्ट में आना चाहते हैं तो ट्रांसपोर्ट की हर कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ आप मेट्रो स्टेशन से भी आ सकते हैं, बस से आ सकते हैं, ऑटो रिक्शा, जो भी आप ट्रांसपोर्ट लेना चाहते हैं यहाँ सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएगी। दोस्तों, यहाँ आपको लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी मिलेगी। यहाँ लाइब्रेरी आपको हर ब्लॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप स्टेशनरी लेना चाहते हैं या लॉ रिलेटेड बुक्स लेना चाहते हैं वो भी यहाँ फैसिलिटीज़ मिल जाएगी आपको। दोस्तों, चलो अब मैं आपको लेके चलता हूँ कोर्ट के अंदर। था थर्ड फ्लोर, अब मैं आपको सेकंड फ्लोर की तरफ लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि सेकंड फ्लोर कैसा है। दोस्तों, जिन एडवोकेट्स के पास चैम्बर्स नहीं हैं वो लोग इस तरह के सीटिंग अरेंजमेंट्स में बैठते हैं। आप देख रहे हैं ये सभी के सभी एडवोकेट्स हैं, अपने क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई छोटा या बड़ा वकील है। यहाँ दिग्गज लोग भी बैठा करते हैं इन सीट्स पे और अपनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये सेकंड फ्लोर आप देख रहे हैं, यहाँ आसपास अगर आप लेफ्ट एंड राइट साइड देखेंगे आप तो ये डिफरेंट कोर्ट्स हैं। चलो मैं अब आपको फर्स्ट फ्लोर की तरफ लेके चलता हूँ। फर्स्ट फ्लोर भी ऑलमोस्ट सेम ही आपको लगेगा। तो मैं अभी तक आपको दिखा चुका हूँ कि किस तरह की अंदर से 30,000 कोर्ट है, और कोशिश करूँगा किसी कोर्ट के अंदर जाने के लिए अगर कोई कोर्ट खाली होगी तो उस कोर्ट में हम चलेंगे। ये आप जो सामने देख रहे हैं लिस्ट, ये इसे कहते हैं कॉज लिस्ट। इसमें जिन लोगों के मैटर्स लिस्टेड होते हैं वो उनके नाम होते हैं। इस लिस्ट के हिसाब से कॉलिंग की जाती है, और जिनका भी मैटर आने वाला होता है उनको आवाज़ लगाई जाती है और लोग अंदर जाकर जज साहब से जो भी ग्रीवांस होती है उनको बताते हैं और प्रोसीडिंग्स को फॉलो करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं पार्किंग की फैसिलिटीज़, यहाँ आप बाइक खड़ी कर सकते हैं और इजीली कोर्ट में एंटर कर सकते हैं। दोस्तों, जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनको बता दूं कि जो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती है वो दो, अमूमन दो भागों में बटी होती है, एक सिविल एंड एक क्रिमिनल।
और उसी के हिसाब से जजेस भी डिवाइडेड होते हैं और उसी के बेसिस पर प्रोसीडिंग्स की जाती है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in